आज है सैटरडे, तो आज मैं अभी स्कूल से आ रही हूँ, तो हम अभी छुट्टी में है क्या बस, तो आ ही रहा होगा हवा, तो चलो 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 चलते हैं अभी हम, तो आज हम घूमने जाएंगे, तो इसलिए मैं स्कूल से छुट्टी लेके आ गई हूँ। अरे हाँ, मैंने तो आज एप्लीकेशन भी आ गई थी क्योंकि मम्मी ले जाएगी ना, इसीलिए। तो अभी हम जा रहे हैं टाउन ले जा रहे हैं, और तो स्कूल को मतलब क्लास जो कितना होगा ना, मैंने क्लास करके आया, और अभी तो सॉन्ग वाला क्लास था, उसमें मैंने सॉन्ग को सीख के आई थी, तो पानी। और जो जून का स्कूल है ना, उसमें भी ना पानी से एकदम भर चुका है पानी। ओ यहाँ पर हम अपने घर के ही थोड़े पास में जो रास्ते हैं ना, वहाँ से हम अभी गुजर रहे हैं, तो जो टंग टंग की आवाज़ आ रही है ना, तो वो ऊपर से आ रही है काम की वजह से। और तो आज पापा हमारे गाड़ी नहीं चला रहे हैं, तो आज चला रहे हैं काका गाड़ी। तो अभी पापा मतलब पापा को ना थोड़ा सा बीमार हो गया था ना, पापा थोड़े से बीमार हो गए थे ना, तो इसलिए पापा आज गाड़ी नहीं चला रहे। तो यहाँ पर हमारा जो ईद हुआ था ना, तो ईद में ये बनाया था गेट, तो वो अभी तक खोला नहीं गया, तो कहीं पर भी शायद नहीं खोला गया क्योंकि हम जो गए थे ना, तो यहाँ पर खुला नहीं हुआ था। तो यहाँ पर ये अच्छी रास्ता, तो यहाँ पर आ गई अच्छी रास्ता। तो हम यहाँ पर थे, कहाँ पर थे, हम थे बाज़ार में, अपने जो हमारे गाँव है ना उसके बाज़ार में। तो अभी चलते हैं, चलने के बाद दिखाते हैं आप लोगों को। तो अभी यहाँ पर है हम गाड़ी में, तो यहाँ पर आवाज़ तो आ ही रही होगी, तो ना मैंने मैं ना मतलब कुछ बोला नहीं क्योंकि पापा थे ना सामने, तो पापा वीडियो करने के लिए तो मना कर रहे थे ना, तो ये है। तो अभी ये तुम्हें हिजाब पहन के आई थी ना, तो ये देखो मैं आप लोगों को बाहर से दिखाती हूँ, ये रहा, और ये जून। तो माद्या को यहाँ पर पापा लेके रहे थे, तो फिर माद्या ना थोड़ा सा चोट लग गई थी माद्या को, तो फिर माद्या ना सबको ना पोप पोप बोल रही थी, मतलब ना चुप रह बोल रही थी। तो यहाँ पर सामने से अभी हम मेन रोड में आ चुके हैं, और अभी मम्मी माद्या को शांत करवा रही है, तो चलो वहाँ पर। तो यहाँ पर हम हैं स्टाइल बाज़ार में, तो स्टाइल बाज़ार तो कुछ दिन पहले बंद हो गया था, फिर से खुल चुका है अभी। तो हम आए थे यहाँ पर, फिर हमने सोच रखा था कि फिर हम जाएंगे विशाल में, क्योंकि यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें अभी तक लाए नहीं थे, और वो सब हमने विशाल में देख के आए थी, तो वहाँ पर हम चलने की सोच रहे थे, तो फिर हमें टाइम नहीं मिला। तो अभी यहाँ पर हम देख रहे पेंसिल बॉक्स एंड जो लंच बॉक्स होता है ना, वो भी देख रहे थे। तो पेंसिल बॉक्स मुझे ये वाला बहुत छोटा मिला, बट फिर भी मैंने उसी को ले लिया था क्योंकि यहाँ पर कुछ और नहीं मिल रहा था पेंसिल बॉक्स बड़ा वाला, तो मैंने छोटा वाला ले लिया। तो ऐसा माद्या का और एक गाड़ी है ना, तो वो उसको अपना गाड़ी समझ के खेल रही थी। और यहाँ पर हमने कुछ कपड़े भी ली थी, तो स्टाइल में कपड़े ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, और कपड़े ही ज़्यादा है चारों तरफ, आप लोग देखोगे तो कपड़े ही है, और उनके जो यूनिफॉर्म है ना उन पे लिखा है पीछे से मैं आई असिस्ट यू, तो बहुत अच्छा है ये, मतलब लिखा होता है कुछ कुछ, और विशाल में भी ऐसे ही है बट लिखा नहीं होता वहाँ पर पीछे से। आप लोग यहाँ पर ना गाड़ी देखो, इतने सारे गाड़ी थे ना यहाँ पर साइड से, इतना ज़्यादा जाम हो गया था ना कि जगह ही नहीं मिल रही थी हमें भी, और कोई दूसरा तो अभी यहाँ पर आ भी नहीं सकता पार्किंग के लिए। तो यहाँ पर हम देखने आए थे आई लव लखीमपुर, तो थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है ना,
वैसे तो यहाँ पर लड़कियाँ जो स्कूल से आई है तो अभी तो 2:30 बज रहे थे, पूरा 2 बज रहा था। तो वो अभी यहाँ पर कुछ खाना खरीदती थी, वो रहा आई लव लखीमपुर। तो ये सर्कस के सर्कस नहीं बोलते उसको, क्या बोलते कि मेला 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 मेला, मुझे को मेरे ये मेला बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो हम वहाँ पर गए थे इस मेले में एक बार। तो ये आई लव लखीमपुर है, यहाँ पर हम सभी उठ के फोटो मतलब फोटो शूट कर रहे थे ना, मतलब इसका तो फोटो शूट ही करते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ कुछ आसामी से लिखा हुआ है, तो आप लोग अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो। तो अभी हम आप लोगों को ना फोटोज़ दिखाते हैं, चलो आप लोगों को दिखाते हैं फोटोज़। हमने तो बहुत कम फ़ोटो ली थी तो इसलिए इतनी फोटोज हम दे पाए आप लोगों को, मतलब बहुत कम फ़ोटो लिया था हमने। और ये एक आई लव लखीमपुर को साइड से देखो आप लोग, इतना अच्छा दिखता है ना। तो इसको इन सारे लेटर्स को हमने छू के तो नहीं देखा ना। अनुग्रह करी बिलिंग और भितरत ना जाबो, तो मतलब यहाँ पर लिखा हुआ कि अंदर मत जाना इसके। तो अंदर तो हम जा नहीं सकते ना, तो जब इसको बाहर से कवर नहीं किया गया था इस लोहे से, तो तब अंदर जाके लोगों ने ना फोटो खिंचवाया था। तो यहाँ पर कुछ माध्या की फोटोज है। तो अभी ना बहुत भूख लगी थी तो हमने ना चना खा लिया था। तो यहाँ पर ना ये फोटो है, तो मतलब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, तो आप चाहो तो पढ़ सकते हो वीडियो को बंद करके। तो यहाँ पर हम इसको खाने के बाद ना बिरयानी खाने के लिए चले थे, तो वो भी मैं दिखा रही हूँ। तो ये वीडियो इतना छोटा है, और हाँ आप लोगों का मतलब आप लोगों ने देखते नहीं हो तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, वीडियो को देखना और फिर लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। और इतना छोटा वीडियो है, 10 मिनट भी नहीं लगता, तो इतना सा टाइम आप लोगों का वेस्ट होता है, तो मतलब इतना सा टाइम आप लोग क्या करोगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, ये तो बहुत अच्छा होगा ना मतलब हमारे लिए। तो जूम को ये बहुत अच्छा लगा, बट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, और मुझे घर का वाला ही ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ से। तो दोस्तों आप लोगों को हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।